के आगे खेलने गई 6 वर्ष की बच्ची का गला नाइलॉन मांझे से कट गया। इससे उसके गले के भीतर और बाहर 26 टांके लगाने पड़े। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वह अब खाना नहीं खा पा रही है। घायल बच्ची टेका फारूक नगर निवासी 0024 सवनास बेगम मोहम्मद हसमत है। घटना की जानकारी मिलते ही पांच बावले पुलिस की टीम ने घायल बच्ची के घर जाकर हाल जानो बच्ची के पिता मोहम्मद हसमत की शिकायत दर्ज की। सवनास घर के पास MAK आजाद मनपा शाला में पहली कक्षा की छात्रा है। वह स्कूल से आने के बाद शुक्रवार की शाम 5 बजे घर के आगे बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी उसके गले में नाइलॉन मांझा आकर फंस गया। देखते देखते गले से खून बहने लगा। उसे चीखते देखकर परिसर के कुछ लोग दौड़ पड़े और उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। उसे अस्पताल पहुंचाने के बाद बच्ची के परिजनों को सूचित किया। बच्ची का गला काफी कट गया था। उसे गले के भीतर व बाहर 26 टांके लगाने पड़े। अब भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची का परिवार मूलतः बिहार से यहाँ किराए के मकान में रहता है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। ऐसे में परिवार के लोग प्रशासन से बच्ची के उपचार के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि बच्ची को अच्छा उपचार मिल रहा है, बस इतनी मांग प्रशासन से है। यहाँ उनका कोई नहीं है जो उनकी मदद करे, इसलिए प्रशासन से ही उम्मीद है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।